ऑब्जर्व नहीं किया था क्या सर? सेकंड वाला लेक्चर था कल का, मतलब हमने कंटिन्यू दो लेक्चर लिए हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए थे। क्यों? दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू? आई हैव गिवन होमवर्क, होमवर्क भी दिया था मैंने कल। श्रीवास्तव क्यों लेफ्ट हुआ था तू जल्दी? यस कहाँ तक आए थे कल? ओके ओके चलो, ऐसे कभी कभी एडजस्टमेंट होती है, कोई टेंशन नहीं। मतलब यदि लेक्चर मिलता है तो वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, बिकॉज हम जो मोशन में रहते हैं हम पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। कल मैंने होमवर्क दिया था, किसने किया होमवर्क? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। यस वेरी गुड। निकाले क्या? निकाले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाले आपने? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। हाँ एग्जांपल बोलो मुझे, कौन सा नहीं आया तो एग्जांपल बोलो। अब मैंने तो, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कौन सा, किसी के पास होगा ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा ना होमवर्क। कैल्शियम का कुछ तो भी था ना, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कैल्शियम 20 ग्राम, ऐसा कुछ तो भी दिया था मैंने, 10 ग्राम 2 ग्राम। यस एक आधा एग्जाम्पल बोल दो। कुछ एलिमेंट्स की दिए सर, एलिमेंट्स हाँ आपने हाँ कुछ एलिमेंट्स कोई कोई एलिमेंट्स दिए थे सर। हाँ एलिमेंट्स बोलो ना, नाम क्या है? सर आई थिंक एक कैल्शियम था, एक तो कैल्शियम था और दूसरा सर कैल्शियम सोडियम कितना था। ग्राम? कैल्शियम कितना ग्राम था? 40 सर, 40 था। 40 ग्राम था। दूसरा क्या सोडियम? सोडियम? यस सर सोडियम कितने ग्राम था? नहीं पता सर, सोडियम का नहीं पता सर। सोडियम नहीं था। सोडियम नहीं था बेटा। नहीं था सर, सोडियम नहीं था। हाँ दूसरा कौन सा? तो भी था ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना ग्राम था? ऑक्सीजन 12 12 ग्राम ना। ये। हाँ सर, 12 नहीं था ऑक्सीजन। सर उसका मास तो 12 ही होगा ना सर। यस बराबर है सर, उसने 16 था भी। हाँ सिक्सटीन क्या सर? के 1.6। 1.6 सर, 1.6। हाँ वही बोल रहा है, मतलब 1.6 ना। यस सर, 1.6। ओके दूसरा वाला हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट कौन सा था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना ग्राम था? यस 4 ग्राम।
हाउ मच ग्राम? 22 शायद सर। हाँ 24 22 22 नहीं था 24 24 मिलीग्राम था या कुछ था? 24 ग्राम था सर। ये मैंने मास ग्राम था ना, ग्राम ग्राम। हाँ सर पूरा ग्राम था। ग्राम था बराबर। हाँ सर। अरे एटॉमिक मास बोलो मुझे, मैंने जो जितना दिया एटॉमिक मास तो हम फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम इतना ग्राम दिया था क्या मैंने? कैल्शियम का उतना ही होगा ना, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20 है ना, उसको डबल होकर 40 हो जाएगा। मैंने आप जो बोल रहे हैं, आप यू आर ट्राई टू टेल द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस एलिमेंट। एटॉमिक मास 24 था। 24 मैंने गिवन। हाँ ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटॉमिक मास की बात नहीं। मैंने क्वेश्चन दिया था कि इतना इतना ग्राम है गिवन सब्सटेंस, उसमें से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। ये मेरा तो मैं आप बोल रहा हूँ कि भाई ये कैल्शियम मैग्नीशियम का सपोज एटॉमिक मास 24 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 15। हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास जो है 32 है, बराबर है? यस सर 32 है। अब इसमें से कितना ग्राम दिया था मैंने ये कैल्शियम सॉल्व करने के लिए, वो बोल रहा हूँ कितना दिया था? आपको क्वेश्चन दिया था नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने, बराबर है ना? ओके चलो एग्जाम्पल्स। पॉइंट फोर मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम फाइंड नंबर वन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर थ्री नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है? यस सर। हाँ अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैग्नीशियम के लिए क्या आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 24 2.4 ग्राम पर मोल, 0.1 ग्राम पर मोल। यस बोलो 0.1 मोल राइट करेक्ट। How is it 0.1? 2.4 है। One is two nine. ठीक है। Okay. आया समझ में? Okay. चलो। अब दूसरा कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। That is equal to number of moles into Avogadro's number. Very good. Number of moles that is equal to 0.1 into 6.022 10 to the power 23. 23. So, sir, 10 to power 22. No, sir, 23, whatever. 6.022 10 to the power of the Naga. 22 कम हो जाएगा वा? 20, yes. Number of items. Number of items. Number of items के लिए क्या फॉर्मूला है? Number of molecules यानी into NA into atoms
कैल्शियम के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, तो एक ही है ना, सॉरी मैग्नीशियम, एक ही मैग्नीशियम है। जब मैग्नीशियम लिखना है तो ऐसे लिखते हैं हम जी, ऑक्सीजन लिखना है तो वो टू लिखते हैं, टू एक ही, यंग टू लिख, ओजोन लिखना है तो वो थ्री लिखते हैं, मैग्नीशियम एक ही है, हाँ मैग्नीशियम एक ही है, तो कितना सेम आएगा, 6.02 × 10⁻³ के लिए। अब यदि सपोज एडिशनल में बताता मैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.02 × 10²² इंटो कैल्शियम के एक आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, यस वेरी गुड, 2 × 12 बराबर है, 72 होगा ना सर, दैट इज इक्वल टू 2.426 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स आया, क्या समझ में, यस सर, वो 6.02 × 10²² × 22 ही है ना, हाँ सर 22 क्यों लिखा, एक जस्ट मिनट ये 12 है, हाँ आपने जो 6.02 लिखा है 12 लिखा है तो उसका आंसर 72 होगा, 10²² × 12 बराबर है ना, और तो बट सर वो बात नहीं बोल रहा मैं, 10²² को साइड कर लेंगे और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा ना, किसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हाँ ओके बराबर ये कितना आएगा बेटा इधर 7.2264 आएगा सर, × 10²⁰ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना, यस सर इलेक्ट्रॉन्स, यस। अब इस तरह से कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सर, हाँ सर इधर 6.02 × 10²² है तो इधर 23 क्यों आया, इधर ये ना यही बात बोल रहे हैं तुम, हाँ यस सर, ये क्या ये सर दोनों में भी देखो ना, अरे बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, 0.1 से एक पावर कम होता है ना, और सर नीचे वाले में, नीचे वाले में एक पावर बढ़ रहा है ना, इधर ये डिजिट इधर शिफ्ट किया ना मैंने, तो 7.22 लिखा ना, ओके सर, हाँ आया ना समझ में, जब यस सर,
जो ये देखो ये 10 ठीक है पावर जो है यदि लेफ्ट में जाता है तो पावर प्लस में बढ़ता है डिजिट और ये राइट में जाता है तो पावर माइनस में बढ़ता है ओके आया समझ में यस सर 0.0001 ऐसा है ये पावर सपोज यहां शिफ्ट करेंगे यहां तो कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 5 यानी यहां पर ऐसे लिखेंगे 1.11 × 10⁻⁵ ठीक है यस सर ओके ले लो स्क्रीनशॉट ले लो निकाला सर क्लियर दिख रहा है ना अब चलो नेक्स्ट वाला देखना है गैस लॉज तो बेटा गैस जो है दीज आर मॉलिक्यूल दीज आर पर्टिकुलरली रैंडम इन मोशन एंड ड्यू टू दैट रीजन दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस गैसेस पजेस काइनेटिक एनर्जी गैसेस अफेक्टेड बाय द physical parameters such as temperature, pressure. If we change the pressure of the gas, the volume becomes changes. If we see the pressure of the gas, temperature of the gas, then volume changes. If we change the pressure, then density also changes. Temperature, density also changes. So, what is the effect of external condition on the gases? So, ये जो study करते हैं हम, that is on the basis of gas law. Gas law के ऊपर study करते हैं. Gas law. बराबर? Gas law पहले वाला जो है, इसका नाम है Boyle's law. Boyle's law. Robert Boyle. Scientist का नाम क्या है? Robert Boyle.
जनरली हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम लॉ, प्रेशर वॉल्यूम लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम का लॉ। यस सर। ये लॉ में जब हम वन अपॉन वी, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर गैस इनवर्सली विद वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम प्रेशर भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल with volume. pressure. यानी देखो बेटा बहुत सी सिंपल सी बात है, सिलेंडर है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है हमने, बराबर ऊपर से प्रेशर देंगे सिलेंडर के ऊपर, तो जब हम ऐसा प्रेशर देंगे बराबर है, तो प्रेशर देने से ये इतना वॉल्यूम, आप प्रेशर राइज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप कम 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 हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखना, तो जितना प्रेशर ज्यादा देते हैं उतना वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, कम होता है, यदि हम प्रेशर कम करते तो वॉल्यूम बढ़ता है, इनवर्स रिलेशन। Therefore, boys बोलता है ये temperature keeping constant, volume of given mass of a gas inversely proportional to its pressure, temperature constant रखने के बाद, okay? Therefore, yes, if you write their mathematical expression, expression, pressure. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर बाय कीपिंग टेंपरेचर इज कांस्टेंट, एट टेंपरेचर फार्मूला आएगा v vp इज इक्वल कांस्टेंट into 1 by p, बराबर है? Yes sir, बराबर है, k constant है उसमें, pb is equal to constant, pb is equal to constant, therefore हम लिखेंगे p1 v1 प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बराबर ना? यस सर, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, इज इट राइट, क्लियर है? यस सर, बराबर है, क्लियर। आगे एक्सटेंड करेंगे P1 that is equal to क्या का P2 P1 that is equal to P2 हाँ P1 is equal to P2 क्या का P1 upon V2 हाँ बोलो V1 upon V2 V1 upon V2 V2 upon V1 अरे हाँ इनवर्स, यस सर, हाँ बराबर, अपोजिट, ऐसा
ठीक है? यस सर, दैट इज द रिलेशन. उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए. बराबर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए. v1 जैसे कि p1 v1 p2 v2 वाला. अब आगे एक्सटेंड करना है लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी के टर्म्स में लॉ लेना है. अच्छा राइट, अब चलो डेंसिटी के टर्म्स में लॉ लेना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. राइट? यस सर. प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. बराबर है ना? यस सर, बराबर है. बिकॉज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. वॉल्यूम हाँ, सेम रिलेशन आएगा. कैसे आएगा? p1 d1 is equal to p2 d2. p2 p1 upon p2 that is equal to d2 upon d1. Again, d1 and d2 are the densities of gases at the pressure at p1 and p2. Yes sir. Temperature to yahan par kya hai? Constant hai. Constant hai. So ye hai Boyle's law. Boyle's law का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया समझ में? बहुत सिंपल है. प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन लगना, कांस्टेंट टेंपरेचर में प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर. देयरफॉर वी टू से दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट टेंपरेचर. टेंपरेचर सिंस वी नो द वॉल्यूम एंड and density, they are the inversely proportional to each other. Okay? Yes, sir. Sir, आगे Charles Law है. क्या बोल रहे? आगे की Charles Law है. Charles. हाँ, इसका एक graph बता दो ना, graph. Screenshot ले लो. लिया सर, प्ले स्टोर. सर दो ही लॉ है सिर्फ? हाँ, दो ही लॉ है ना. हमने जो की वो एक लॉ और चार्लिस लॉ वाला, दो ही लॉ है ना? नहीं, दो तीन लॉ है अभी. गोटर एक लॉ, वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गेलुसिक लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ जिसको गे लशाक्स लॉ बोलते हैं. हाँ हाँ, गे लशाक्स लॉ. यस सर, गे लशाक्स लॉ. गे लशाक्स लॉ वो भी स्टडी करना है. अवोगाड्रो लॉ के बाद चार पांच लॉ स्टडी करने हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट, रख करो इसको. यस सर, रख दीजिए. हमने ले लिया स्क्रीनशॉट. Gay-Lussac law combination value. Graph of Boyle's law. Boyle's law ke graph. Plot. If we keep pressure and volume, the graph is like this. क्या बोलते हैं इसको? Hyperbola. Hyperbola. और उल्टा जाते हैं तो पारा. बराबर ना? Yes sir. If we
वर्सेस वन अपॉन वी, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. यस सर. अब ये उल्टा भी लिख सकते हैं, बी वर्सेस वन अपॉन पी. अब क्या आएगा, पी वी वर्सेस पी या पी वी वर्सेस वी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. पैरेलल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पी वी वर्सेस पी या पी वी वर्सेस वी. These are the graph of Boyle's law. ये Boyle's law की graph. बराबर ना? Yes sir. Okay. तो Boyle's law का consequences हम pressure cooker में use करते हैं. तो pressure cooker में sorry charge law का application है pressure cooker में. भी यदि टेम्परेचर यदि हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ यू सी द बलून का एग्जांपल देखो, एक रूम में है हम. अब बलून में क्या एयर पास कर रहे हैं, एयर पास करने के बाद बलून ऐसा होगा, यानी वॉल्यूम दैट बलून इंक्रीजेस बढ़ेगा. बराबर बराबर है. यस सर. अब ऐसे बलून फिर बाद में क्या करेंगे, वहां से एयर हम पास करेंगे यानी प्रेशर कम करेंगे, गैस निकालेंगे बाहर, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. जब गैस बाहर जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. तो दे आर द इनवर्स प्रोपोर्शनल. यस यस. तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन है डे टू डे लाइफ में जिसमें बॉयल्स लॉ हम यूज करते हैं. अब हम देखेंगे चार्ल्स लॉ, constant pressure and mass. The mass of gas is directly inverse varies directly with the temperature. इसको बोलते हैं volume temperature या temperature volume law. हाँ, पर उसमें constant pressure होता है सर, है ना? बराबर बराबर. और जो वॉल्यूम होता है गैस के साथ वो डायरेक्टली विद टेम्परेचर होता है. करेक्ट करेक्ट. अब जो हमारा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर सपोज गैस के ऊपर रखा, हमने प्रेशर कुकर रखा है, तो वो कांस्टेंट वो बढ़ रही है. एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक यानी हमारे घर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट है. अगर कुछ तो भी सब्जी या जो भी हमने पकाने के लिए रखा है, तो जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर इंक्रीजेस. इफ द इनसाइड द प्रेशर इंक्रीजेस बाय सप्लाइंग ऑफ हीट, यदि हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर राइज होने से गैस के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो प्रेशर कुकर का जो सीटी होता है ऊपर आता है डायरेक्ट, उस वॉल्यूम बढ़ रहा है. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटमेंट लिखना है. बाय कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट By keeping pressure constant, volume of given mass of the gas varies directly with the temperature. Yes, is directly proportional with the temperature or its temperature. Is directly proportional to
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Directly proportional to the absolute temperature. Yes. अब हमें लेना है उसका expression. Yes, sir. और इसमें just minute ना, एक दो type का law बोलता है और एक statement है बोलता मैं. एक screenshot ले लो तब तक मैं इसकी एक ink डालता इसमें. हेलो सर। हाँ एक मिनट। तो और एक दूसरा लॉ है, तो दूसरा स्टेटमेंट है सर। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का ये बोलता है, बाय कीपिंग प्रेशर इज द कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, volume of a given mass of a gas increases or decreases, volume of a given mass of a gas increases yeah. or decreases of its initial volume, उसका initial volume है उससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, volume of a given mass of a gas increases or decreases of its initial volume by 1 upon 273 यानी 273 absolute zero अपना sorry 273 zero degree celsius absolute zero नहीं 273 यानी zero degree celsius yes. increases or decreases of its initial volume by 1 upon 273 of every rise or fall temperature at 0 degree Celsius, यानी जो temperature 0 degree Celsius से आगे जाएगा या कम होगा, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हाँ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, so that is another statement. तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस और डिक्रीजेस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय 1 अपॉन 273 बाय राइजिंग एवरी डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, एवरी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ का अनदर स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ का अनदर स्टेटमेंट लिखेंगे हम, और टेम्परेचर प्रेशर इज कांस्टेंट, मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1 upon 273 is absolutely 1 upon 273 yes of its initial volume
ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम सेल्सियस एब्सोल्युटली 0 डिग्री सेल्सियस बाय एवरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर टीएमपी टेम्परेचर हेलो सर और फॉल इन टेम्परेचर हेलो सर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every rise or fall in temperature 1 degree temperature 1 degree temperature 1 degree Celsius in temperature carbon okay. sir mathematical form dono ka दोनों का मीनिंग ये की है बाद में फाइनल रिलेशन सेम आएगा v1 upon t1 and v2 upon t2 वो सेम ही आएगा हां वही है तो वो कैसे आएगा बोलता मैं आप सर लिया स्क्रीनशॉट हमने हां ले लो ले लिया ना ले लिया सर अब उसका आएगा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस यानी वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी यस सर वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी इंक्रीजेस बराबर है यस सर बराबर है ऑफ इट्स इनिशियल जीरो इनिशियल वॉल्यूम वी जीरो एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टी सेल्सियस टेम्परेचर बराबर ना ओके यस सर यस प्लस बाय 1/273 इज आल्सो 0 1/273 एट पर्टिकुलर राइज इन टेंपरेचर यस सर टेंपरेचर कितना राइज हो रहा बराबर है यस बराबर है सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन एट टेंपरेचर टी वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है एडिशन हो रहा है बढ़ रहा है मतलब कितना टेंपरेचर उतना 1/273 से बढ़ेगा बट सर टी कैपिटल होगा ना सर हां टी कैपिटल होगा ना टी स्मॉल yes, नहीं होगा yes, yes. आपका क्वेश्चन बराबर राइट एकदम करेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं टी कैपिटल होना चाहिए टेंपरेचर का मैंने कल ही बोला था आपको बराबर है अब हमें क्या करना है जो नोटेशन है वो टी आएगा तो दिस इज द ये जो टी है बेटा दिस इज टी फॉर हियर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है एंड टी है वो टेम्परेचर इन केल्विन है आया समझ में यस सर हाँ तो इसमें 273 ऐड होगा इसमें नहीं होगा यस सर यस ओके ओके सर ओके सर चलेगा दैट इज इक्वल टू अब क्या करो इसमें भी इनिशियल है बराबर है ये आएगा v0 इनिशियल है इनिशियल से इनिशियल तो v0 कॉमन निकालो बेटा क्या आएगा 1 plus 1/273 या t/273 ये जो है ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में क्लियर है तो दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बेटा इस जीरो इक्वल्स
क्या आएगा, 273 प्लस 3 सॉरी टी अपॉन 273। कट कट कटा कट भी होना नहीं, कट कट नहीं होगा, प्लस है। बराबर ना? यस सर बराबर है। क्लियर है? यस सर। टी प्लस 273 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अब आएगा आपका बड़ा टी। हाँ VT that is equal to V0 into T upon 273. V0 upon T. 270. V0 into T. Upon 273. Yes. Clear? Yes, sir. VT equal to V0. Into 273 plus T upon 273. This is. अब ये पता चलता है, this is volume, this is temperature, 273. Therefore, from that it is clear that volume of your mass of your gas directly proportional to the temperature. Yes. Therefore, we also write here. V is equal to T. T2. Cross multiplication कर सकते हैं, T1 into T2. Yes. बराबर है? बराबर है सर। Okay. अब relation between density. डेंसिटी का या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बराबर ना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी सर, लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी तो आपको पता है डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। हेलो बराबर, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड देयरफॉर 1/D टेम्परेचर इन। तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी फिर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर ना, करेक्ट है? यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा भी ले लो, यस, temperature and density they are the inversely proportional. Therefore, kaisa relation hoga, T1 inversely proportional to D1. D1. T2 is D2. T1 upon T2 that is equal to kya aayega? D2 upon D1 aayega kya? D2 upon D1 आएगा क्या? हाँ बराबर लगता है, बराबर है, सेम है क्या, अलग है? ये देखो T1 की वैल्यू क्या है? नहीं सेम है सर, 1 upon D1, ठीक है, लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 upon D1 into इसका क्या है, T2 की वैल्यू 1 upon D2 तो ये D2 हो जाएगा D2 upon 1, तो that is equal to T1 upon T2 that is equal to D2 upon D1
यूनिवर्स में बोल रहा हूँ पहले इसमें डायरेक्टली आया था यस सर हाँ डायरेक्टली आया था यस मुझे सॉल्व करना पड़ा उसको अवोगैड्रो लॉ इसका ये रे एक्सप्रेशन देखना है ना क्या सर एक्सप्रेशन देखना है ना एक्सप्रेशन सर हाइड्रोजन बॉल एंड मेकिंग ऑफ चपाती आर एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ चार्ल्स चार्ल चार चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर है यस सर थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा गलत लग रहा मुझे टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस जस्ट अ मिनट हां स्क्रीनशॉट मत ले लो अभी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बराबर है यस सर 1/d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बराबर है तो क्या आएगा dt इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा ना टू द टेम्परेचर यस सर है ना अब क्या आएगा d1 t1 दैट इज इक्वल टू d2 t2 बराबर है बराबर ही अब क्या आएगा d1 अपॉन d2 d2 दैट इज इक्वल टू चार्ल्स लॉ है That indicate relationship between ये indicate करता है relationship between volume of a given mass of a gas and absolute temperature. तो जो है pressure cooker का जो phenomena है that is based on the Charles law. By rising the temperature, volume increase होता है बराबर है तो इसके plot देखेंगे हम plot. उसका application है hydrogen bond and making chapati. एप्लीकेशन होगा हाइड्रोजन बॉल एंड मेकिंग चपाती चार्ल्स लॉ की चपाती मेकिंग बराबर है वो हाइड्रोजन बॉम्ब का थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ जाता है न्यूक्लियर नहीं हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं सर हाइड्रोजन बॉल 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 बनून हाइड्रोजन बॉल हाइड्रोजन बराबर मुझे बॉम्ब समझ में आया हाइड्रोजन इंक्रीजिंग आएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा यस एंड दैट इज इक्वल टू टी इनटू 1/v आएगा 1/v ऐसा आएगा यस आएगा नीचे बराबर है यस सर और पी जो है वीटी वर्सेस टी पी वर्सेस टी वीटी वर्सेस स्ट्रेट लाइन माइनस और ये जो ग्राफ है ये मैं बोलता हूं आपको यहां पर एक
दिस इज द वॉलोमर्सिस टेम्परेचर. टेम्परेचर केल्विन. यस सर. यदि हम ऐसा ग्राफ देखेंगे तो दिस इज अ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो में, बराबर है के वी ये टेम्परेचर आएगा डिग्री सेल्सियस में, ये टेम्परेचर केल्विन में ऐसा आएगा. पहला प्लॉट है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, प्रेशर कांस्टेंट है. दूसरा आएगा वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस अगेंस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस वी गेट स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग थ्रू द टेम्परेचर एक्सिस. नेगेटिव साइड जो है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, which explains the zero volume of the gas at absolute zero. कौन से भी गैस का वॉल्यूम मैंने कभी बोला, हां एब्सोल्यूट जीरो में गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा. एब्सोल्यूट जीरो इज नथिंग बट जीरो होगा, जीरो केल्विन. जीरो और सर एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब क्या है, हां एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब एब्सोल्यूट टेंपरेचर दैट इज नथिंग बट द थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल टेंपरेचर at which gas is supposed to have zero volume. Gases ka volume zero hoga, yani gas kidhar hi mobile nahi hogi. Hypothetical. Probable, yes. Temperature is taken as a theoretical and hypothetical. The gas or the temperature jyada ho solid. Theoretical temperature where volume of the gas is supposed to be zero. जीरो हम कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर. ओके एंड जब टेंपरेचर जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी. एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन बोलता मैं, लिखो दो मिनट टाइम हो गया ना. यस सर. यस सर. 10 बज के नहीं, लेट चालू हुआ था ना थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू. मतलब परफेक्ट टाइमिंग पे हम लोग ने खत्म किया. हां एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे क्लास खत्म हुआ सर. हां ठीक है. ओके. यस सर. यस सर. चलो अब कल हम देखेंगे एब्सोल्यूट जीरो, गैस लॉ, गे लुसिक लॉ, हाँ, और एवोगाड्रो लॉ. यस यस. डाल्टन लॉ पार्टिकल स्प्रिंग. यस. और बेटा इसमें एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जब हम पहले वाला जो बॉयज लॉ था वहां पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वो समय जब हम प्लॉट लेते पीवी प्लॉट जो है that is called as isotherm, temperature called as isotherm, temperature constant. When the volume is the constant, temperature pressure ka law hai. Matlab ek ek constant rakhenge. Pehle isme kya hai? Temperature constant, volume and pressure relation, jo bhi hai. To waise plot nikalenge to usko bolte hain hum isotherm. Isotherm. Haan, isotherm. जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर उसको बोलते हैं आइसोबार. स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस सर. स्क्रीनशॉट ले लिए. ले लो, नहीं लिया तो. सर आइसोटर्म भी होते हैं ना कुछ, आइसोमर जिनके एटॉमिक ये प्रेशर वॉल्यूम ऐसा ये T1 T2 T3 तो यहां पर T3 greater than T2 greater than T1. तो यहां पर याद रखो जो ये प्लॉट है इसको बोलते हैं आइसोथर्म, जहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है उसको बोलते हैं आइसो बार.
प्रेशर का यूनिट बार होता है ना, बार, आइसो बार, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां पर बोलते हैं आइसो कोर, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर, ठीक है। कल बोलता मैं और इसके बारे में डिटेल। चलो ले लो स्क्रीनशॉट अगेन, लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम मिलते हैं कल सेम टाइम, विल हैव नेक्स्ट लेक्चर अगेन टुमारो। चलो गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय। Okay, students. Wait, ma'am is joining. Chances are to follow.